हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सीक्रेट इंटरनेशनल। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द अपकमिंग स्लॉट डेट वी आर एक्सपेक्टिंग डेट दे विल ओपन। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि कब ओपन होंगे और कौन से वीज़ा कैटेगरी ओपन होंगे और क्यों जो एम्बेसी है इन वीज़ा कैटेगरी को फोकस कर रही है या फिर प्रायोरिटी दे रही है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बिकॉज मैं ऐसी अपडेट्स लाता रहता हूँ जो स्लॉट से रिलेटेड या वीज़ा से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए सो डैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माई वीडियो। अगर आप अपने अपॉइंटमेंट्स ढूंढ रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बिकॉज जब भी स्लॉट्स ओपन होते हैं तो मैं एक पोस्ट डालता हूँ यूट्यूब पे, सो डैट कि मैं आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ जिनको स्लॉट्स नहीं मिल रहे। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें सो डैट कि आप वो चांस मिस ना करें। लास्ट टाइम भी मैंने डाला था और नेक्स्ट टाइम भी आई विल ट्राई कि मैं उसमें ज़रूर डालूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑफ यू नो दैट कि मैं अपने वीडियोस में अपना व्हाट्सएप नंबर डालता हूँ जो स्लॉट्स में इशू आ रहा है जिन लोगों को उनको हेल्प करने के लिए। तो व्हाट आई कम टू नो कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा देर से ट्राई कर रहे, इवन दे हैव बीन ट्राइंग फ्रॉम लास्ट वन ईयर, तो उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट कि क्यों नहीं स्लॉट मिल रहा है उनको, क्यों वीज़ा कैटेगरी को एम्बेसी फोकस नहीं कर रही है, क्या ऐसा रीज़न है कि जो US एम्बेसी बाकी वीज़ा को फोकस कर रही है और कौन से वीज़ा को फोकस कर रही है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू। किसी भी कंट्री का जो एक किसी भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने में एक फाइनेंशियल एसेट बहुत एक बड़ी चीज़ होती है। तो जो इनकम जो उनको रेवेन्यू फॉरेन कंट्री से जनरेट होता है वो उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ाता है। सो कोविड के बाद जो US था, US नहीं बहुत सारी कंट्रीज थी जैसे US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड UK, बाकी सारी कंट्रीज मिला के उनको बहुत इकोनॉमिकली बहुत एक झटका लगा। तो जब से वीज़ाज ओपन हुए हैं तो वो उनका फोकस यही है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वीज़ाज लगवाएं जिससे उनकी जो इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो वीज़ा से इकॉनमी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी मैं आपको बताता हूँ। आपकी नॉलेज में आया होगा कि पिछले दिनों में US एम्बेसी ने F1 के स्लॉट्स बहुत ज़्यादा ओपन किए, F1 के उन्होंने बल्क में ओपनिंग की और 3-4 बल्क ओपनिंग हुई है। अब वो F1 को ही क्यों फोकस कर रहे हैं, उसके दो रीज़न हैं। एक, क्योंकि जो सितंबर इनटेक है उसके लिए वो F1 को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि उनका सितंबर इनटेक के बाद वो F1 को कोई ज़रूरत नहीं है स्लॉट्स की, तो इसलिए उनको पहले की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले F1 को फोकस किया। दूसरा, तो F1 के जो भी स्टूडेंट्स अप्रूव होते हैं उनसे उनकी कंट्री को ग्रोथ मिलती है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में लाखों की फ़ीस ट्रांसफ़र होती है तो उनकी इकॉनमी को ग्रोथ मिलती है। सो डैट्स वाई उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी F1। अब जो दूसरी प्रायोरिटी उनकी है वो है B1 एंड B2। B1 B2 इसलिए बिकॉज टूरिज़म और विज़िटर्स जो होते हैं किसी भी कंट्री के लिए वो उनकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने में मदद करते हैं। जिस भी लोकेलिटी में टूरिस्ट होंगे वहाँ पे बिजनेसेस ज़्यादा ग्रो करेंगे। सो इन दिस केस नाउ द सेकंड प्रायोरिटी फॉर द US एम्बेसी इज़ B1 B2। अभी तक अंटिल टुडे जो US एम्बेसी है वो F1 पे वर्क कर रही है, बिकॉज जो फ्रेश केसेस हैं वो तो उनके काफ़ी स्लॉट्स ओपन कर दिए रिसेंटली, मैं यहाँ पे एक पोस्ट भी डाल दूँ, रिसेंटली उन्होंने एक बल्क ओपनिंग फिर से की थी और ये उनकी लास्ट ओपनिंग थी F1 स्टूडेंट्स के लिए जो लोग फ्रेश केसेस हैं, जिनकी प्रोफाइल्स फ्रेश हैं, मतलब वो रिफ्यूज़ नहीं हुए, ये उनकी बात कर रहा हूँ। तो बात करते हैं कि जो रिफ्यूज केसेज हैं उनका क्या होगा। उनके लिए एक नई गुड न्यूज़ है कि अब जो स्लॉट ओपन होगा F1 का वो रिफ्यूज्ड केसेस के लिए होगा और ये स्लॉट ओपन होंगे मिड ऑफ अगस्त से लेके फर्स्ट ऑफ सितंबर तक, मतलब टोटल वो 15 डेज के स्लॉट ओपन करेंगे और टोटल उनके स्लॉट्स होंगे 15,000 जो उनकी तरफ से कंफर्म्ड है। ऑल्दो दिस नंबर कैन बी इंक्रीज्ड बट अनटिल टुडे इट इज़ कंफर्म्ड कि वो 15,000 स्लॉट ओपन करेंगे। इफ द रिसोर्सेज अलो तो दे विल डेफिनेटली इंक्रीज दिस नंबर। तो बात करते हैं B1 B2 के बारे में। B1 B2 के काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर थे मेरे जो काफ़ी देर से मुझे इवन फ्रॉम द लास्ट मंथ मुझे कह रहे हैं दे वॉन्ट द स्लॉट, बट अनफॉर्चुनेटली स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। तो रीज़न तो यही है कि बिकॉज एम्बेसी अभी F1 पे फोकस कर रही है, तो F1 इज़ ऑलमोस्ट एट द एंड, ऑलमोस्ट
14 अगस्त तक तो स्लॉट्स ऑलमोस्ट उन्होंने रिसेंटली ओपन कर दिए हैं, अब रह गया है रिफ्यूज्ड केसेस के लिए। तो दिस वन विल बी द लास्ट स्लॉट ओपनिंग फॉर द F1 स्टूडेंट्स। सो मेक श्योर कि जो रिफ्यूज्ड केसेस हैं, जो काफ़ी देर से हैं, मेरे भी नॉन में काफ़ी हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो भी रिफ्यूज केसेज हैं जो स्लॉट्स ढूंढ रहे हैं, बट ये टाइम उनके लिए है, प्लीज़ बुक द स्लॉट। तो बात करते हैं B1 B2 के लिए। B1 B2 के लिए इस स्लॉट ओपनिंग के बाद B1 B2 की टर्न होगी, चाहे वो इसी मंथ में एंड में आपको ओपन हो जाए या नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में ओपन हो जाए, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो इन दिनों के बीच में ही होंगे। सो मेक श्योर कि आप अपना चेक करते रहें अपनी स्लॉट ओपनिंग, एंड आप में से कोई हेल्प चाहते हैं स्लॉट ओपनिंग के बारे में तो मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। और अगर मेरे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज व्हेन एवर देयर विल बी अ स्लॉट ओपनिंग आई विल अपडेट ऑन द यूट्यूब बाय मेकिंग अ पोस्ट, बिकॉज वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, सो आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस एनी स्लॉट, तो मैं पोस्ट में डाल दूंगा, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना सब्सक्राइब करते समय। तो ये तो हो गया F1 और B1 B2 के बारे में। तो बाकी कुछ वीज़ा कैटेगरीज हैं, जैसे वर्क वीज़ा कैटेगरीज हैं H1B या किसी और वीज़ा कैटेगरी के, उनके स्लॉट कब ओपन होंगे, तो बात करते हैं उनके बारे में कि जो उनकी स्लॉट ओपनिंग है इट इज़ नॉट कन्फर्म, देर इज़ नो एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम द एम्बेसी अबाउट दीज कैटेगरीज, बट अकॉर्डिंग टू मी देर विल बी अ फ्यू ओपनिंग्स रिलेटेड टू दीज वीज़ा कैटेगरीज, बिकॉज वैसी नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जाना चाहते हैं US में और उनका जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दे नो कि उनकी डिमांड क्या है, उनकी कंट्रीज में जो एम्प्लॉयर है उनकी डिमांड है कि उनको वर्क चाहिए, उनको वर्कर्स चाहिए, इसलिए इट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंस फॉर देम। सो आई थिंक कि दे विल ओपन स्लॉट फ्यू स्लॉट्स, बट इट्स नॉट कन्फर्म कि वो कब ओपन करेंगे, सो इसलिए आप अपना ट्राई करते रहें, मे बी यू विल गेट अ सिंगल स्लॉट टुडे, मे बी यू विल गेट अ सिंगल स्लॉट आफ्टर 15 days, सो इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड एट ऑल, तो जस्ट यू कीप ऑन ट्राइंग। तो अगर आपको फिर भी कोई हेल्प चाहिए यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन, और मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, सो डैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माई वीडियोज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी, बाय।